नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। जनपद बहराइच में 2015 में दर्ज हुए एक मुकदमे में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 50,000 का अर्थदंड एवं 10 वर्ष की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि नानपारा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शौच के लिए खेत में गई नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार परिजन न्यायालय में पैरवी कर रहे थे। तकरीबन 10 साल के ट्रायल के बाद पीड़िता को पॉक्सो एक्ट न्यायालय के द्वारा इंसाफ मिला है और न्यायाधीश वरुण मोहित निगम की अदालत में आरोपी अयोध्या प्रसाद को सजा भी सुनाई गई है। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष के सुरेंद्र कुमार मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट है रेप एंड पॉक्सो और जज साहब श्री वरुण मोहित निगम है। ये मैटर है आज ये सन 2015 का है, मार्च 15 का है। इसमें एक नाबालिग बच्ची जो है शौच को गई थी खेत में, उसी गांव के मुलजिम अयोध्या प्रसाद जो है उसके साथ रेप किया और मामला थाने पर उसी दिन दर्ज हुआ और एक मतलब एक महीने के बाद इस कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और उसके बाद साक्ष शुरू हुए। साक्ष में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार पाया और उसको 10 वर्ष के कठोर कारावास से 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।